रहमान रहीम। क्वेश्चन नंबर 6 है, 1.1 क्वेश्चन नंबर 2 का 6 पार्ट, सॉल्व बाय फैक्टराइजेशन। बहुत इजी क्वेश्चन है, सिर्फ देखने में डिफिकल्ट लग रहे हैं। 2/(x-9) इज इक्वल टू 1/(x-3) -1/(x-4)। कोई भी क्वेश्चन आता है उसको एक बार सॉल्व करके सेम एज इट इज लिख दीजिए। इसका हमने एलसीएम ले लेना है, x-3 × x-4। नीचे वाले नंबर को नीचे से डिवाइड कर देंगे, कैंसिल हो जाएगा, x-3 x-3, नीचे x-4 रह गया, ऊपर 1 रह गया। तो हमने इसको क्या करना है, ऊपर लिख देना है x-4 से कैंसिल हो गया x-3, और ये रह गया 1। इनको आपस में मल्टीप्लाई करें तो x-3 ही रहेगा। हमने क्या करना है, 2/(x-9) इज इक्वल टू, को ओपन कर देते हैं, x-4 - x, ये माइनस बाहर है तो अंदर साइन चेंज हो जाएगा। नीचे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, x का स्क्वायर हो जाएगा, इसी x को नेक्स्ट से करेंगे तो -4x, फिर -3 को x से करेंगे तो -3x, अब इस 3 को 4 से करेंगे तो -3 और 4 = 12। हम करेंगे 2/(x-9) इज इक्वल टू x-x, कैंसिल हो गया आपस में, सिफर हो गया, -4 + 3 - 1 रह गया। नीचे x²-4x-3x - 7x, ये माइनस माइनस प्लस हो गए, साइन बड़े डिजिट का आएगा, +12। अब हमने क्या करना है, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना है ताकि ये स्टैंडर्ड फॉर्म बन जाए। कभी भी ओवर में नंबर आ जाए, दरमियान में इज इक्वल टू का साइन हो, तो इसका सबसे इजी मेथड है क्रॉस मल्टीप्लाई। तो हम क्या करेंगे, इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 × x²-7x + 12 इज इक्वल टू -1 × x-9। टू एक्स का स्क्वायर -2 × 7 = 14x, 2 × 12 = 24 इज इक्वल टू -x, ये -−+9। अब हमने क्या करना है, इसको कंपेयर, 2x²-14x + 24, ये माइनस इस तरफ आके +x + 9 इस तरफ आएगा, तो -9 = 0। 12x², अब 14x और +x, -+-, 14 में से 1 गया 13x, बड़े का साइन आ गया, बड़े डिजिट का। उसके बाद 24 + -9, तो हो गया +15 = 0, +−-, 24 में से 9 गया 15। अब हमने इसकी करनी है फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन में क्या करना है, फर्स्ट डिजिट का कॉन्स्टेंट नंबर और लास्ट वाले का कॉन्स्टेंट नंबर मल्टीप्लाई कर लेना है। 2 × 15 = 30 होता है ये रफ वर्क में। अब हमने इस 30 को मल्टीप्लाई करना है किसी ऐसे डिजिट, दो डिजिट में, कि हमारे पास प्लस या माइनस करने से दरमियान वाला नंबर आ जाए। जैसा कि 15 को 2 से करते हैं तो 30, 15 - 2 = 30 आता है। तो 2x² - 2x - 15x + 15 = 0। बड़े डिजिट के साथ साइन दरमियान वाला आएगा, दूसरे डिजिट के साथ खुद सजेस्ट करना है कि प्लस करना है या माइनस करना है कि ये दरमियान वाला आए। क्या होगा, 2 × x + 2 - यहाँ से 15 × x, माइनस बाहर और साइन चेंज हो जाते हैं। यहाँ से 2x हमने लिया तो अंदर 2 भी चला गया, एक x भी चला गया, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1x प्लस 2 ले लिया, x भी ले लिया, तो 1 रह गया। यहाँ से 15 ले लिया, अंदर एक x रह गया, यहाँ से 15 बाहर ले लिया, तो
जस्ट वन रह गया। अब दोनों सेम है, एक्स प्लस वन, एक्स प्लस वन। हमने इसको आपस में मल्टीप्लाई करना है, टू एक्स स्क्वायर माइनस टेन एक्स माइनस थ्री एक्स प्लस फिफ्टीन इज इक्वल टू ज़ीरो। टू कॉमन ले लेंगे, टू एक्स स्क्वायर टू एक्स कॉमन ले लिया, अंदर एक्स रह गया, एक्स टू को फाइव से किया टेन, थ्री कॉमन ले लिया, थ्री फाइव का फिफ्टीन। अब ये दोनों सेम आ गए, एक्स माइनस फाइव टू एक्स माइनस थ्री इज इक्वल टू ज़ीरो। एक्स माइनस फाइव ये भी ज़ीरो के इक्वल आ जाएगा, टू एक्स माइनस थ्री ये भी ज़ीरो के इक्वल आ जाएगा। एक्स इक्वल टू फाइव, टू एक्स इज इक्वल टू माइनस थ्री है, इस तरफ आके प्लस थ्री। अब एक्स इक्वल टू थ्री ओवर टू, टू इसके साथ भी आएगा इधर भी, तो एक्स इक्वल टू थ्री ओवर टू, ये आपस में कैंसिल हो गया, हमारा सॉल्यूशन सेट क्या आएगा, फाइव एंड थ्री ओवर टू।